फ्रेंड्स, हम लोग आज नाइन रीजन ऑफ एब्डोमेन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जो ह्यूमन एब्डोमेन है उसे डिवाइडेड किया गया है क्वाड्रेंट में एंड रीजन में। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है उसे एब्डोमेन को फोर पार्ट में वहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं, और रीजन में यहाँ पर हम लोग नाइन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो एनाटॉमिस्ट हैं और जो फिजिशियंस हैं, तो दोनों ने मिलकर के यहाँ पर पर्पस ऑफ स्टडी, स्टडी के पर्पस से, डायग्नोसिस के पर्पस से और ट्रीटमेंट के पर्पस से यहाँ पर जो एब्डोमेन है उसे क्वाड्रेंट एंड रीजन में डिवीजन किया है, बांटा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रीजन्स है जो कि नाइन पार्ट में, यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइन पार्ट में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यहाँ पर क्वाड्रेंट पार्ट में, क्वाड्रेंट में चार, 1, 2, 3, 4, चार भागों में जो हमारा एब्डोमेन है उसे डिवीजन किया गया है। तो आज हम सिर्फ यहाँ पर नाइन रीजन ऑफ एब्डोमेन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो हम लोग एब्डोमेन किसे कहेंगे इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो एब्डोमेन है उसे किसे कहेंगे एब्डोमेन को। तो एब्डोमेन इन ह्यूमन, जो थोरेसिस है हमारा, थोरेस है, तो थोरेसिस जो डायफ्राम है हमारा, थोरेसिस डायफ्राम से लेकर के जो पेल्विक ब्रिम है, पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, तो वहाँ तक के जो रीजन है, इस दोनों के बीच में जो डायफ्राम और पेल्विक ब्रिम के बीच में जो एरिया है, जो रीजन है, उसे ही हम लोग एब्डोमिनल पार्ट के नाम से जानते हैं। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो ऑर्गन हैं वो एब्डोमिनल रीजन में रहते हैं, और इसके यहाँ पर ऊपर में डायफ्राम रहता है, और जस्ट यहाँ पर नीचे में जो है पेल्विक ब्रिम रहता है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं इंग्विनल लिगामेंट। तो नेक्स्ट हम लोग आगे डायग्राम में भी इसे अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा है डायफ्राम, तो डायफ्राम ऊपर में है थोरोसिस कैविटी, और डायफ्राम के नीचे में रहता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं पेल्विक ब्रिम, तो पेल्विक ब्रिम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं रेड कलर में जो सर्किल किया गया है उसे ही हम लोग पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा है पेल्विक ब्रिम और पेल्विक इनलेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो पोर्शन है वो पेल्विक ब्रिम और पेल्विक इनलेट में आते हैं। तो ये एप्पल शेप के होता है, यहाँ पर एप्पल शेप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो सेक्रम है, सेक्रम एक्यूट पेक्टिनियल एंड लाइन एंड अपर मार्जिन ऑफ द प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नीचे में ये प्यूबिस सिम्फाइसिस हो गया, यहाँ पर अपर में यहाँ पर सेक्रम हो गया, और यहाँ पर एक्यूएट लाइन होता है, और यहाँ पर होता है पेक्टिनियल लाइन। ये सारा मिला करके बनता है यहाँ पर पेल्विक ब्रिम। तो ऊपर में डायफ्राम और नीचे में पेल्विक ब्रिम, ये दोनों के जो बीच में जो स्पेस होते हैं उसे हम लोग एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जानते हैं, एब्डोमिनल रीजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसे हम लोग, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पेल्विक ब्रिम और पेल्विक इनलेट जो रेड कलर में दिखाया गया है, तो ये पेल्विक ब्रिम और पेल्विक इनलेट को यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं नाइन रीजन ऑफ ए एब्डोमेन, जो एब्डोमेन है उसे नाइन रीजन में डिवीजन किया गया है, बांटा गया है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ कुछ टर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नाइन रीजन ऑफ एब्डोमेन को कैसे डिवीजन किया गया है तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड कलर में है वो कार्टिलेज है, कार्टिलेज है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये है क्लेविकल बोन, तो क्लेविकल बोन। तो यहाँ पर टू वर्टिकल लाइन होते हैं और टू हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि टू वर्टिकल लाइन और टू हॉरिजॉन्टल लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और टू हॉरिजॉन्टल और टू वर्टिकल लाइन मिला करके यहाँ पर टोटल जो नाइन रीजन है वो बनते हैं। तो ये कैसे, मतलब हम लोग कहाँ से इसका जो वर्टिकल लाइन है वो क्रॉस करेंगे, और कहाँ से हम लोग इसके जो हॉरिजॉन्टल दो लाइन है उसे क्रॉस करेंगे, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया क्लेविकल बोन, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये है कार्टिलेज। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये है यहाँ पर इंग्विनल लिगामेंट, इंग्विनल लिगामेंट यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ पर ये इंग्विनल लिगामेंट को ही दिखाया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक ये सब टर्म है, पहले हम लोग टर्म देख लेते हैं फिर इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे ये सबको।
मिला करके ही कहाँ कहाँ से कौन सा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पास करता है, तो उसके लिए कुछ टर्म यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यह यहाँ पर देख सकते हैं पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन में यहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो ऊपर का जो इलियक है तो इलियक स्पाइन यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा इलियक स्पाइन हो गया। तो यहाँ पर जो नाइन रीजन ऑफ जो एब्डोमेन है उसे मार्क बाय यूजिंग टू हॉरिजॉन्टल एंड टू वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर ये टू हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पर वन टू हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर दो वन टू ए वर्टिकल लाइन हो गया। तो जो वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग मिड क्लेविक्यूलर लाइन के नाम से भी जानते हैं, या फिर राइट इधर साइड का जो है ये लाइन है, ये जो लाइन है ब्लू कलर का, इसे हम लोग राइट लेटरल प्लेन, और इधर साइड का जो लाइन है उसे हम लोग लेफ्ट लेटरल प्लेन के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर में, इसे हम लोग जानते हैं ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, ट्रांस ट्यूबरिकल प्लेन। यहाँ पर जो ए लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसे हम लोग इस नाम से जानते हैं, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन एंड ट्रांस ट्यूबरिकल प्लेन। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका कैसे डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारा क्लेविकल बोन है, एक क्लेविकल बोन है। तो क्लेविकल बोन के मिड में, मिड से हम लोग एक पॉइंट को चूज करते हैं यहाँ पर मिड में, और यहाँ पर देख सकते हैं यह है इंग्विनल लिगामेंट। इस इंग्विनल लिगामेंट के मिड इंग्विनल पॉइंट को हम लोग चूज करते हैं, और यहाँ जो क्लेविकल जो बोन है, क्लेविकल बोन के जो मिड क्लेविकल पॉइंट है, वहाँ से हम लोग यहाँ मिड इंग्विनल पॉइंट को मैच कर देते हैं। तो यह हमारा एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट लेटरल प्लेन। और यहाँ पर नेक्स्ट सेम इसी तरह से यहाँ पर एक चूज करते हैं हम लोग पॉइंट को क्लेविकल के मिड में, मिड क्लेविकल पॉइंट, और यहाँ पर एक फिर सेम उसी तरह से हम लोग पॉइंट को चूज करते हैं मिड इंग्विनल पॉइंट, इस दोनों को मिला देते हैं, और यह हमारा बन जाता है सेकेंड यहाँ पर वर्टिकल लाइन। तो ऊपर में दो वर्टिकल लाइन हो गया, इसे हम लोग नाम देते हैं राइट लेटरल प्लेन, और यहाँ पर यह हो गया लेफ्ट लेटरल प्लेन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस जो अपर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, और नीचे में जो यहाँ पर लाइन देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस ट्यूबरिकल प्लेन। तो ट्रांस पाइलोरिक प्लेन जो कि कहाँ से पास करता है, तो ऊपर में हम लोगों जो कार्टिलेज देखा, तो कार्टिलेज कोस्टल कार्टिलेज द टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज से जो पाइलोरिक प्लेन है वो पास करता है। और यहाँ पर ए L1 देख सकते हैं L1, और यहाँ पर है L5। तो जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है तो वो पास थ्रू द लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 वर्टिब्री। ये L1 है तो L1 के ही लोअर साइड से ये लाइन पास करता है, और L5 के अपर बॉर्डर से ये ट्रांस ट्यूबरिकल प्लेन पास करता है। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो साइड में यहाँ पर देख सकते हैं जो इंग्विनल लिगामेंट है, तो यहाँ पर बीच में हो गया प्यूबिस सिम्फाइसिस, और जो साइड में यहाँ पर है जो बोन, तो यहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन रहता है। तो इसी तरह से जो हमारा देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन है, तो उसका यहाँ पर डिवीजन अच्छे से किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, और ऊपर में डायफ्राम है, और नीचे में हो गया मिड इंग्विनल पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हैं मिड इंग्विनल पॉइंट है। तो और प्यूबिस सिम्फाइसिस हो गया यहाँ पर। तो इसी तरह से जो हमारा 9 रीजन ऑफ जो एब्डोमेन है उसे डिवीजन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। 9 रीजन जो एब्डोमेन है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसका क्या क्या नाम दिया गया है तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ जो बीच में जो सेंटर में जो 3 नाम गया है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, एम्बिलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पर ये 3 होगा। यहाँ पर 2 लेटरल साइड में है, यहाँ पर बनाए हुए जो लेटरल साइड में बच गए 3, 3, 6। तो यहाँ पर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन,
राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन। तो इस तरह से यहाँ पर ये 9 इसके जो एब्डोमिनल जो रीजन है उसके यहाँ पर नाम हो गए। तो हम लोगों ने दो चीज़ देख लिया कि इसे कैसे डिवीजन किया गया और एब्डोमिनल कहाँ से कहाँ के बीच में हम लोग एब्डोमिनल रीजन को मानेंगे और क्या क्या जो 9 रीजन ऑफ जो एब्डोमेन है उसके क्या क्या नाम है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि कौन कौन से जो रीजन है उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं और पाए जाते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो 9 रीजन ऑफ जो क्वाड्रेंट है तो उसका नाम किस बेसिस पर पड़ा है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, हाइपो मीन्स बिलो, अंडर, कॉन्ड्रिक मीन्स कार्टिलेज ऑफ द रिब। तो यहाँ पर जो ये देख सकते हैं कार्टिलेज ऑफ द रिब के बिलो है, बीच में है इनसाइड है, तो इसलिए इसे हम लोग राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, और सेम लेफ्ट साइड में इसी तरह से है, तो हाइपो मीन्स बिलो एंड लेफ्ट साइड है, तो इसलिए हम लोग इसे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। और यहाँ पर इपीगैस्ट्रिक रीजन, इपीगैस्ट्रिक, इपी मीन्स ओवर, एबव गैस्ट्रिक स्टोमक और बेली, बेली से, बेली यहाँ देख सकते हैं बेली से ऊपर है, इसलिए इसे हम लोग इपीगैस्ट्रिक रीजन नाम देते हैं। और लंबर, राइट लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन, यहाँ पर लंबर वर्टिब्रा है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि L1 से L5 के बीच में ये है, तो यहाँ पर इसे हम लंबर रीजन, लंबर वर्टिब्रा के कारण इसे हम लोग राइट एंड लेफ्ट लंबर कहते हैं। बीच में नेवल यहाँ पर रहता है यूम्बिलिकस, इसलिए हम लोग इसे यूम्बिलिकल रीजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपो मीन्स बिलो, अंडर गैस्ट्रिक स्टोमक और बेली, ये स्टोमक और बेली के नीचे में रहता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। और राइट इलियक रीजन, इलियक क्रस्ट ऑफ द हिप बोन, जो हिप बोन है हमारा इलियक क्रस्ट का, उस रीजन में ये प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसे हम लोग राइट एंड लेफ्ट इलियक रीजन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन है उसका यहाँ पर नेमिंग हुआ है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, तो नेक्स्ट एब्डोमिनल रीजन्स ऑफ कंटेंट, कौन से रीजन में क्या क्या पाए जाते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लीवर है हमारा, तो लीवर हमारा यहाँ तीनों में कोई एक ऑर्गन जरूरी नहीं है कि एक ही रीजन में रहे, वो दूसरे रीजन एरिया में भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ लीवर का एक एग्जांपल है, तो लीवर जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी है, इपीगैस्ट्रिक रीजन में भी है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी ये आता है। तो इस तरह से एक जो ऑर्गन है वो 2-3 एरिया में, रीजन में प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं ये जो चार्ट बनाया है कि कौन से जो एब्डोमिनल रीजन है एंड उसके कंटेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, तो यहाँ जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक है उसमें लीवर है, गोल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एसेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है एंड राइट किडनी है। नेक्स्ट हम लोग इपीगैस्ट्रिक रीजन, ओसोफागस हो गया, स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन, स्प्लीन, राइट एंड लेफ्ट किडनी एंड यूरेटर, राइट एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, ए इपीगैस्ट्रिक रीजन में हो गया। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में स्टोमक, लीवर टिप्स, पेनक्रियाज टेल, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन, स्प्लीन एंड लेफ्ट किडनी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं राइट लंबर रीजन, तो जो राइट लंबर रीजन है तो उसमें यहाँ पर लीवर का टिप्स इसमें भी पाया जाता है, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसेंडिंग कोलोन एंड राइट किडनी। और यहाँ पर हम लोग लेफ्ट लंबर में देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलोन एंड लेफ्ट किडनी टिप्स। और जो इम्बिलिकस रीजन है इसमें स्टोमक पाया जाता है, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन, राइट एंड लेफ्ट किडनी एंड यूरेटर्स एंड यहाँ पर सिस्टर्ना चिल भी यहाँ पर पाया जाता है एम्बिलिकस रीजन में। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स राइट इलियक रीजन में पाया जाता है, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, सिकम, एसेंडिंग कोलोन, राइट ओवरी एंड फिलेपियन ट्यूब। राइट इलियक रीजन में ओवरी एंड फिलेपियन ट्यूब, राइट ओवरी एंड फिलेपियन ट्यूब पाया जाता है, अपेंडिक्स, सिकम, एसेंडिंग कोलोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखते हैं यहाँ पर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, राइट लेफ्ट यूरेटर्स, राइट लेफ्ट ओवरी एंड फिलेपियन ट्यूब्स, वासर डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट जो है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
लेफ्ट इलियक, तो लेफ्ट इलियक में स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, लेफ्ट ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब जो है वो लेफ्ट इलियक रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि जो एब्डोमेन है उसे 9 पार्ट में डिवीजन किया गया तो उससे हम लोग को क्या बेनिफिट है। तो जो डायग्नोसिस में हमें हेल्प मिलता है, इससे हम लोग ट्रीटमेंट में हेल्प मिलता है, और इस सर्जरी में कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है तो उसमें हमें हेल्प मिलता है। और नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं एब्डोमेन पेन, ये जो एब्डोमेन रीजन है जो हमारा 9 रीजन में जो बांटा गया है, तो अगर कहीं पर पेन हो रहा है तो किस रीजन से हो सकता है हम लोग उसे डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस जो है वो राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं हेपेटाइटिस, तो यहाँ पर कौन सा रीजन होता है, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में, यहाँ पर लीवर में हेपेटाइटिस हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर जो मोस्टली तो पेनक्रियाज हो गया, जो किडनी है तो किडनी स्टोन कौन सा एरिया में रीजन में, यहाँ पर जैसे कि लेफ्ट लंबर रीजन है तो वहाँ किडनी स्टोन हो सकता है, राइट लंबर रीजन है और किडनी स्टोन के कारण अगर पेन हो रहा है तो हो सकता है वहाँ पर किडनी स्टोन हो। और इस तरह से ही जो हमारा रीजन है उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेडिकल में, क्योंकि कौन सा रीजन में अगर कोई पेन हो रहा है, सर्जरी हो रहा है, तो इससे हमें डायग्नोस करने में, ट्रीटमेंट में इस रीजन के अध्ययन से या डिवीजन से हमें हेल्प मिलता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो लेक्चर, एंड शेयर विथ योर वन फ्रेंड एटलीस्ट मेडिकल फ्रेंड, एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।